हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम दिन रात डेली खोज खोज के आपके लिए बेहतरीन इंपॉर्टेंट और ओरिजिनल अपडेट्स लेके आते हैं। आज की बड़ी अपडेट आ रही है हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड की तरफ से, तेलंगाना पीएससी की तरफ से। बेहतरीन मौका है, मैनेजर यानी कि इंजीनियर की वैकेंसी निकली हुई, जिसके लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। 100 के आसपास वैकेंसी है भैया, कोई भी लैंग्वेज का स्टेट नहीं बोला गया। आप इंडिया में किसी भी स्टेट में रहते हैं, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सिलेक्शन होगा तो सैलरी आपको बहुत 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 अच्छी मिल जाने वाली है। डिटेल में हम इसके पूरे नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे भाई लोग, क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या, फाइनल ईयर वाले एलिजिबल है कि नहीं, हर एक चीज, हर एक पॉइंट, हर एक सिंगल डिटेल बताऊंगा। आप बस आखिरी तक बने रहिएगा मेरे साथ, और अगर अप्लाई करने में भी दिक्कत हो रही है तो वो भी क्यों हो रही है वो भी बताऊंगा। आप बस आखिरी तक बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, लाइक इन रखते हैं हम 2000 लाइक्स का, बस आपका प्यार आपका सपोर्ट चाहिए और हम इसी तरह मोटिवेट हो के आपके लिए बेहतरीन अपडेट्स लाते रहते हैं। इसे शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बता दो बेहतरीन मौका निकला हुआ है तेलंगाना पीएससी में। और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया और ऑल में क्लिक नहीं किया, कर दीजिए, लेटेस्ट अपडेट की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन निकला हुआ है, मैनेजर की वैकेंसी है, 100 के आसपास वैकेंसी है। बीटेक आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी बात, आप फाइनल ईयर में है तो आप एलिजिबल नहीं है एज ऑन डेट ऑफ नोटिफिकेशन। आपके डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी लैंग्वेज कंस्ट्रेंट नहीं रखा गया है, आप हिंदी जानते हैं, आप इंग्लिश जानते हैं, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन यहां पर एज पर तेलंगाना सरकार मिलने वाला है, यानी कि तेलंगाना में जो रहते हैं, जिनके पास तेलंगाना का डोमिसाइल है या फिर जो तेलंगाना में रह के पढ़ाई किए हुए हैं, उनको रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन अगर आप तेलंगाना में नहीं रहते हैं तो आप जनरल अनरिजर्व के अंदर ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दोस्तों, इसमें पहले रिटर्न होने का है, फिर इंटरव्यू होने का है। रिटर्न यहाँ पे किस तरीके से होगा वो अभी हमें बताया नहीं गया है। रिटर्न यहाँ पे ऑनलाइन भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है और ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है, बबल भरने वाला भी रिटर्न हो सकता है। तो आपको अप्लाई जरूर करना है अगर आप एलिजिबल हैं तो। अभी आप फॉर्म भरने जाएंगे, अप्लाई करने जाएंगे तो वेबसाइट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, एप्लीकेशन अभी एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, फॉर्म अभी खुल नहीं रहा है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 16/3/2020 से और 31/3/2020 इसकी आखिरी डेट होने वाली है। अभी आप अप्लाई करने जाएंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे टोटल 93 पोस्ट है और जैसा मैंने बताया, यह ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है या फिर ये एग्जाम ऑनलाइन भी हो सकता है। यहाँ पे 93 वैकेंसी, उसमें सबसे ज्यादा सिविल वालों के लिए वैकेंसी है 79, मतलब सिविल वालों के लिए तो बहुत 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 बढ़िया मौका है। सिविल वाले हैं आप तो बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा। मैकेनिकल के लिए 6 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए 4 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 3 वैकेंसी, कंप्यूटर साइंस आईटी के लिए सिंगल वैकेंसी है। अगर आप इन ब्रांच से बी बी टेक किए हैं, ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी पढ़ाई किए हैं, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी, आप फाइनल ईयर में है, अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते, पास आउट होना जरूरी है। एज लिमिट की बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 18 से 34 साल, 18 से 34 ईयर्स रखा गया एज ऑन 1/7/2020। 1/7/2020 तक आपकी उम्र 34 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप 2 साल 1986 से 1/7/2002 के बीच जन्मे, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो सैलरी आपको बहुत तगड़ी 31,700 बेसिक रहेगा, प्लस इसके ऊपर टीएडी एचआर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। रिजर्वेशन यहां पर एज पर तेलंगाना सरकार, एज पर तेलंगाना गवर्नमेंट है, लेकिन आप ऑल ओवर इंडिया से जनरल के अंदर अनरिजर्व के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, एज में रिलैक्सेशन भी एज पर तेलंगाना गवर्नमेंट मिलने वाला है। फॉर्म भरने की फीस यहाँ पे 200 रुपीज और 120 रुपीज रखी गई है, जबकि एससी एसटी के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है, जो कि सिर्फ तेलंगाना के ही एलिजिबल होंगे। आप तेलंगाना के बाहर के हैं, एससी एसटी वाले हैं, तो आप जनरल के अंदर, आपको अनरिजर्व के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा, हमें बता दिया गया। एग्जाम के सेंटर हमको सिर्फ तेलंगाना में मिलेंगे, 5 शहर का नाम हमें बता दिया गया है, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, निजामाबाद और खमाम। सिलेक्शन यहाँ पे रिटर्न और इंटरव्यू के बेसिस पर होने का है। रिटर्न जैसा मैंने बताया, यहाँ पे ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है। यहाँ पे रिटर्न जो है पेपर होगा वो 2 पार्ट में होगा, जो पेपर 1 होगा उसमें जनरल स्टडी, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सिंगल मार्क्स का हर एक क्वेश्चन रहेगा, 150 मार्क्स का पेपर रहेगा, 150 मिनट आपको मिलेंगे इस एग्जाम के लिए, पेपर 1 के लिए। और पेपर 2 जो है पूरी तरीके से टेक्निकल होने वाला है, मैकेनिकल वाले तो मैकेनिकल का सिलेबस रहेगा, इलेक्ट्रिकल वाले तो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस रहेगा,
सिलेबस हमें पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डिटेल में दे दिया गया है, जो पेपर टू होने वाला इंजीनियरिंग का, या इसमें 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का होगा, 150 मिनट आपको मिलेगा, 300 मार्क्स का टोटल पेपर होगा, और जो इंटरव्यू होने वाला है वो 50 मार्क्स का होगा। तो टोटल ये जो होने वाला है 500 मार्क्स का पेपर होने वाला है, और फाइनल मेरिट लिस्ट इसी 500 मार्क्स के हिसाब से देखा जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट उसी हिसाब से बनाई जाएगी। दोस्तों इसके अलावा अगर आप तेलंगाना के लोकल कैंडिडेट है तो आपके लिए बहुत 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 बढ़िया मौका है। तेलंगाना अगर आप लोकल है, तेलंगाना में आपने पढ़ाई की हुई है, अपनी स्कूल की शिक्षा तेलंगाना से ली हुई है ना, तो ये बहुत अच्छा मौका है तेलंगाना का। अगर आपके पास डोमेसाइल है तो बेहतरीन मौका है आपके लिए, आप चूकना मत, बिल्कुल भी चूकना मत। लोकल कैंडिडेट को भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलने का है, और अगर आप तेलंगाना में रहते हो और अनएम्प्लॉयड है, अभी तक आपकी जॉब नहीं लग पाई और एक स्पेसिफिक एज में है, तो आपके लिए भी यहाँ पे फॉर्म भरने की फीस नहीं रखी गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार जरूर चेक कीजिएगा, जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की भी और अप्लाई करने की भी। तो भाई लोग, यही थी कुछ चीजें, यही थी कुछ डिटेल, यही थी कुछ बातें जो आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना, इसे शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान, जय किसान।